हेलो बच्चों, आज करेंगे पार्ट नंबर 8वां और एक्सरसाइज नंबर 8.2 चल रही है। इसके लास्ट के 3 क्वेश्चन बच गए थे, वो तीनों एक जैसे पार्ट है, इसलिए मैं आपको ये अब कराता हूँ। ठीक है, ये आपको मैं अब करवाऊँगा। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देते हैं, क्योंकि तीनों टाइप एक जैसी हैं, तो मैं तीनों तीनों करा देता हूँ इस वीडियो में, है ना। तो टॉपिक फिनिश हो जाएगा। देखो, 30वां क्वेश्चन क्या कहते हैं, द गिवन कर्व। इधर कैद रखिए, द गिवन कर्व आर, दो कर दे रखे हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, देखिए, 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर फर्स्ट कर्व, एंड दूसरे कर्व क्या है, 2xy इज इक्वल टू के। क्वेश्चन क्या कहता है पता है, क्वेश्चन कहता है शो दैट द कर्व, ये दोनों जो कर्व हैं ये क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करती हैं ईच अदर, एक दूसरे को काटती हैं एट राइट एंगल्स। किस में निकालती हैं, एट राइट एंगल्स पे निकालती हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें शो करना है कि दोनों ट्रायंगल्स जो है ना, ये क्या करते हैं, कट करते हैं एक दूसरे को, किस पर, एट राइट एंगल्स, और कब, जब के स्क्वायर इज इक्वल टू 8 होता। ठीक है, यानी हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। कब, कब होगा 90 डिग्री, जब के स्क्वायर की वैल्यू 8 हो। यानी टू प्रूव कर दूं मैं यहाँ पे, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, इफ़ के स्क्वायर इज इक्वल टू 8, अगर के स्क्वायर की जगह 8 होगा, ठीक है, तो क्या होगा, देन द कर्व फर्स्ट एंड कर्व नंबर सेकंड इंटरसेक्ट्स एट राइट एंगल्स। ये प्रूव करना, क्या करना प्रूव, जब के स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो, है ना, के स्क्वायर की वैल्यू 8 हो, तो क्या करेंगे, ये दोनों करो राइट एंगल पर काटेंगे आपस में, ये प्रूव करना। ठीक है, तो उल्टा डाल लें, हम ये मानते हैं ये दोनों क्या करो क्या आपस में इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री पे, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 8 दिखा दो, बस बात एक ही है, है ना। तो हमने क्या माना, हमने माने लेट, उल्टा मान लिया, द कर्व फर्स्ट एंड कर्व नंबर सेकंड इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, राइट एंगल पे मान लो इंटरसेक्ट करती है, 90 डिग्री पे काटती है। इसका मतलब पता क्या होगा, ये कर्व मान लो एक कर्व ये है और दूसरे कर्व मान लो ये है, इसका टेंजेंट ये है और इसका टेंजेंट इस पॉइंट पे ये है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, ये कर्व, ये हमें प्रूव करना। मान लो ये फर्स्ट कर्व है, ये सेकंड कर्व है, तो ये इनके जो टेंजेंट्स जिस पॉइंट पर काटते हैं, ये कर्व जहाँ काटती है उस पॉइंट पे इन दोनों के टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब ये होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इस कर्व फर्स्ट का टेंजेंट और कर्व सेकंड का टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, इन दोनों टेंजेंट्स के स्लोप की गुणा क्या होगी, माइनस वन होगी। हम यही काम करेंगे, अपने आप के स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, तो करें स्टार्ट। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की स्लोप निकालनी पड़ेगी, लेकिन जरा दिमाग लगाओ, सीधा अगर स्लोप निकालते हो, यहाँ से डिफरेंशिएट करके dy/dx निकालते हो, तो उसमें x और y के टर्म मिक्स आएंगे, इसमें भी x, y और k भी आएगा, है ना। तो हमें सिर्फ आंसर में k चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, पहले पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन निकालेंगे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ k। तो जिस पॉइंट पे कर्व काटते हैं वो पॉइंट निकालो, पॉइंट पे निकालेंगे, तो करें स्टार्ट। तो क्या करेंगे, पहले सोल्व कर लो, और उनको सोल्व करके x, y के लिए निकाल देंगे, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड कर्व, करें स्टार्ट। देखो, यहाँ से क्या करूँगा मैं, एक्स को निकाल दूँ, वाई स्क्वायर बाई टू, पहले से इक्वेशन से मैंने एक्स की वैल्यू निकाल दी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, पुट एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इन टू वाई स्क्वायर बाई टू इन सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड में रख दो, तो 2x की जगह क्या रखेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन टू इन टू में वाई इज इक्वल टू के, टू से टू कर देगा, वाई क्यूब इज इक्वल टू के आ गया, तो वाई क्यूब क्या के पावर 1/3, अगर वाई की वैल्यू के पावर 1/3 आ गया, के की पावर आ गई, क्या आ गया, के की पावर 1/3 आ गई, तो के की पावर 1/3 आ गई, तो इसमें रख देंगे क्या, बोलो वाई की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गया, तो वाई स्क्वायर अपॉन टू, वाई की जगह रख देंगे, के की पावर क्या हो गया, 2/3 अपॉन टू। ठीक है, ये आई कोई दिक्कत, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया, जल्दी बताओ कितना आ गया, एक्स के जब रखेंगे के की पावर 2/3 अपॉन टू, एक्स के लिए आ गए, और वाई के लिए क्या आ गया, यहाँ पे के की पावर 1/3 आ गया,
ये आ गया अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी आ गया। ठीक है, अब इसी पॉइंट पे इस कर्व नंबर सेकंड का जो टेंजेंट उसके स्लोप निकाल देंगे, इसी पॉइंट पर कर्व फर्स्ट के स्लोप निकाल देंगे, दोनों को गुणा माइनस वन के बराबर कर देंगे। तो अपन क्या करेंगे, तो लिखो पहले डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करो इसका डायरेक्टिव फर्स्ट का, टू एक्स का तो वन हो गया और वाई स्क्वायर की क्या हुआ टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, टू टू कर देगा तो डी वाई बाई डी एक्स कितना देगा यहाँ पे वन अपन वाई। ठीक है, किस पॉइंट पर करना है, एट पॉइंट इसमें रख देंगे एक्स की वैल्यू ये रख देंगे। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बताओ, इस पर जहाँ वाई आई वहाँ पर के वैल्यू रख देंगे वाई के ये रख देंगे आ जाइए, दिस इज कॉल्ड एम वन, एम वन की वैल्यू आ गई, मतलब पहले एम वन मतलब दिस इज द स्लोप ऑफ कर्व फर्स्ट, ये फर्स्ट कर्व के स्लोप है। ठीक है, इसको मैंने एम वन मान लिया। तो अब डिफरेंशिएटिंग सेकंड इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दूसरा कर्व डेरिवेटिव टू, इसको करेंगे एक्स इंटू वाई से, तो यह क्या होगा एक्स एज इट इज वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इट इज एक्स का वन। ठीक है, इसका जगह जीरो, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स के लिए क्या है यहाँ पे माइनस वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना देगा माइनस वाई अपॉन एक्स, और ये क्या करना है एट पॉइंट के की पावर टू बाई थ्री अपॉन टू के की पावर वन बाई थ्री, इस पर निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो इसके बाद जहाँ वाई हमारे देंगे ये, जहाँ एक्स हमारे देंगे के की पावर टू बाई थ्री अपॉन टू। ठीक है, तो क्या होगा टू आगे माइनस का, देखिए वह बताओ के पावर वन बाई थ्री, टू बाई थ्री मिल गया वन बाई थ्री पावर, ये हो सकता है, इसको मान लेते मैं एम टू। अब क्या लिखोगे, बिकॉज टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, ये दोनों के आपस में परपेंडिकुलर यानी राइट एंगल्स पे, तो क्या होगा एम वन क्रॉस एम टू क्या होगा माइनस वन, तो एम वन मतलब इस कर्व की जो स्लोप है वो कितनी यहाँ पे ये आई थी, एम टू मतलब इसकी स्लोप कितनी यहाँ पे ये आई है, इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, करो गुणा तो माइनस टू, अच्छा इसको करो तो क्या होगा के की पावर टू बाई थ्री हो जाएगी ना, अरे बेस सेम तो पावर जुड़ जाएगी, वन बाई थ्री में वन बाई थ्री जुड़ेंगे तो टू बाई थ्री पावर आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस टू इज इक्वल टू ये आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अब लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, तो मतलब क्यूब कर देंगे, टू का क्यूब क्या होगा एट, यहाँ क्या होगा के स्क्वायर आ जाएगा, ये प्रूफ है। ठीक है, तो क्या बताना इसमें क्या हो गया, जब ये दोनों कर्व परपेंडिकुलर हैं तब के स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी एट आएगी, ये क्वेश्चन था छः नंबर सवाल आएगा। तो ठीक है, तो क्या तीसरा क्वेश्चन लॉजिक समझ में आ गया ना, क्या था पहले दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन निकाला, फिर दोनों कर्व की स्लोप निकाल दी टेंजेंट की स्लोप, और फिर वो दोनों क्या रख दी परपेंडिकुलर था, तो हमने उनके स्लोप से गुणा माइनस वन कर दिया लो। ठीक है, तो एक ही बात है, ये देख लो इकतीस क्या रखा हमें, द टू कर्व आर, टू कर्व आर पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है रकम लिख देता हूँ फिर आपको समझा दूँ क्या कहना चाह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस वन बराबर जीरो, एक तो ये कर्व है, दूसरे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस नाइन इक्वल जीरो। ठीक है, क्या कहता है फाइंड द एंगल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ दीज कर्व, इन दोनों कर्व के का एंगल ऑफ इंटरेक्शन निकालना है, इसमें मतलब जानते हो क्या कहना चाह रहा है, मान लो एक कर्व ये है और दूसरा कर्व मान लो ये कोई भी ले लो कर्व, ये फर्स्ट कर्व है और ये सेकंड कर्व है, दोनों ये काटती है तो ये क्या होगा इनका पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, इस पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन पे जो टेंजेंट्स है, इस कर्व का टेंजेंट मान लो ये है और इस कर्व का टेंजेंट मान लो ये है, तो इन टेंजेंट्स के बीच में एंगल क्या है वो निकालना है, एंगल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ कर्व, कर्व के बीच में एंगल नहीं होता, जिस पॉइंट पे काटते हैं उस पॉइंट पे दोनों कर्व के जो टेंजेंट्स हैं उनके बीच में एंगल क्या है वो हमें निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बोलो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें दोनों के टेंजेंट निकालने पड़ेंगे, फर्स्ट कर्व का भी और सेकंड कर्व का टेंजेंट की स्लोप निकालनी पड़ेगी, और दोनों के बीच में फिर लगाएंगे फॉर्मूला टेन थीटा वाला, एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, तो उसके लिए हम क्या चाहिए दोनों के स्लोप चाहिए, और क्या चाहिए हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, पॉइंट भी सेम पी, तो ये निकालना है, तो दोनों को सॉल्व कर दो पॉइंट पे जाएगा, मैं आप कैसे करोगे ऑपरेटिंग फर्स्ट माइनस सेकंड कर दे स्टार्टअप, इसमें से कटा दो
एक्स प्लस एक्स पे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, क्या बचे यहाँ बताओ, माइनस फोर एक्स माइनस वाई में से ही कटेंगे, तो पॉजिटिव जाएगा, ये भी पॉजिटिव जाएगी, तो टू वाई इज क्या होगा, ये फोर एक्स, यहाँ क्या होगा माइनस एट डिवाइडिंग बाई टू बोथ साइड्स, ये आ गई वाई वैल्यू आगे। अब देखो वाई वैल्यू रखेंगे फर्स्ट में सेकेंड में एक ही बात है, तो क्या होगा सर पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन लगेगा, तो क्या करेंगे पुटिंग, बोलो भाई y इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर इन फर्स्ट इक्वेशन, करते हैं यहाँ पे एक्स स्क्र वाई दिया रखेंगे टू एक्स माइनस फोर का होल स्क्र, ये मैं क्या कर रहा हूँ पता आपको, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन निकाल रहा हूँ दोनों को सॉल्व करके, ये पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन लगेगा, तो वही काम कर रहे हैं दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, तो खोल दो इसको ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस टू ए बी, ठीक है, क्या होगा फाइव एक्स स्क्वेयर माइनस ट्वेंटी एक्स, ये क्या होगा प्लस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो डिवाइडिंग बाई फाइव, फाइव से डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, इसके बनाएंगे फैक्टर, फैक्टर बन जाएंगे इसके ये एक्स की वैल्यू वन और थ्री आ जाएंगे, ठीक है, देखेंगे इफ एक्स इज इक्वल टू वन, मान लो मैंने वन ले लिया, दो वैल्यू है ना एक्स की, तो इसमें क्या हो गया दो वैल्यू से ही क्या होगा, यहाँ रखेंगे एक्स के दो वैल्यू रखेंगे तो वाई के वैल्यू भी दो आएंगे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे लो, तो देखो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो क्या करेंगे फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में रख देंगे या सेकेंड में रख देंगे, एक ही बात है क्योंकि ये पॉइंट दोनों पे कर्व पे लाई करता है, तो जहाँ मर्जी रख दो अपने आप वाई वैल्यू सेम आएगी, तो मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ एक्स का वन, तो वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फोर इंटू वन माइनस वन बराबर जीरो, तो क्या वन प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या होगा फोर और माइनस वन बराबर जीरो कर देगा, तो वाई स्क्वायर वैल्यू क्या यहाँ बताओ फोर आएगा, वाई वैल्यू क्या यहाँ बताओ प्लस माइनस टू आएगा, ठीक है कोई दिक्कत, ठीक है बेटा अब देखो ध्यान से, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब x 1 था तो y का वैल्यू क्या है प्लस माइनस 2 था, ऐसे यहाँ 3 रखोगे तो 3 पे दो पॉइंट और आ जाएंगे, इनमें चार पॉइंट ऐसे हो गए जहाँ पर एक कर्व काटते हैं आपस में, ठीक है एक कर्व कितने पॉइंट पर काटेंगे चार पे, लेकिन लेकिन हमें एक ही पॉइंट पर चाहिए सर रहेंगे, तो अब एक पॉइंट ले लो कोई भी, ठीक है, तो हमने 1 और 2 ले लिया, ठीक है ले लिया हमने 1 और 2 ले लिया, क्या ले लिया हमने 1 और 2 ले लिया, तो लिखेंगे टेकिंग, लिखेंगे लेट, एक पॉइंट में निकाल तो ले लेंगे कोई भी पॉइंट, पॉइंट ले लिया हमने वन और टू, ये आ गया इनका पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, इसी पॉइंट पर दोनों टेंजेंट के स्लोप निकालनी है और उनके बीच में फिर एंगल निकालते हैं, तो अब क्या लिखोगे डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है करो भाई पहले क्या करो डेरिवेटिव, तुम्हारा सामने है ही, देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा टू एक्स प्लस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, ये देना टू एक्स प्लस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस फोर बराबर जीरो, ठीक है तो स्लोप क्या आ गया बताओ फोर माइनस टू एक्स, आई दोनों के दे लेंगे डिवाइडिंग बाई टू एंड डिवाइडिंग बाई टू वाई, टू वाई से डिवाइड कर देंगे तो टू माइनस एक्स अपन वाई ये आ जाएगा, एट पॉइंट वन टू पर निकालना हमें, तो डी वाई बाई एक्स क्या हो गया बताओ इसमें रख देंगे वन टू, तो जहाँ एक्स हम वहाँ पर रखेंगे वन वाई है वहाँ रखेंगे टू, तो क्या गया वन बाई टू, क्या गया वन बाई टू, एक स्लोप, ठीक है अब क्या करना है इसको m1 वन मान लेंगे, जो स्लोप आई इसको मान लेंगे m1, यानी पहले टेंजेंट की स्लोप आई, अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग सेकेंड इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, सेकेंड को अगर दो से करेंगे मतलब दो से ना सॉरी सेकेंड इक्वेशन को x से करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ऐसे स्लोप आएगी, वो क्या होगी सेकेंड टेंजेंट, सेकेंड कर्व के टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी, तो लिखो डिफरेंशिएटिंग सेकेंड इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा इसका टू एक्स, इसके बाद टू वाई, वाई का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू वाई का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर जीरो, क्या होगा देखो इन दोनों में से टू वाई को टू डी वाई बाई एक्स को हमें निकाल देंगे, क्या क्या होगा वाई माइनस वन बचेगा, इसको दे लेंगे माइनस टू एक्स चलेगा टू से टू कट जाएगा, तो डी वाई बाई एक्स क्या होगा माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस वन, ये आ गया एट पॉइंट वन टू, वन टू पर निकाल देंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो इसमें जहाँ एक्स वहाँ पर वन जहाँ वाई वहाँ पर टू रख देंगे, क्या होगा आंसर माइनस वन आ गया, तो सेकंड स्लोप को मान ली मैंने m2, अब हमें इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तो क्या होगा एंगल का फॉर्मूला
m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2 ये आएगा। तो m1 कितने यहाँ पे 1/2, m2 कितने यहाँ पे -1, ठीक है। तो कितना होगा 3/2 आएगा, आइए 3/2 अपन, ठीक है। ये क्या होगा यहाँ पे, तो ये क्या होगा 1 - 1/2, ठीक है। देखो बेटे इसमें हमने एक गलती कर दी, क्या एक्स के लिए 1 थी ना, तो 1 इसमें रखनी है हम, क्योंकि यही तो अपना वो है, क्या नाम है इसका, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन तो यही था, क्योंकि इसी को हमने इसमें रखा था, तो इसी में रखेंगे एक्स के लिए 1। तो 1 रखो यहाँ पे, तो क्या होगा एक्स के लिए 1 रखेंगे तो क्या होगा 2 × 1 2, और 2 में गया 4 - 2, सही है, -2 सही है। और एक्स की जगह अगर रखेंगे हम क्या 3 रखेंगे तो क्या होगा 3 × 2 6 + 2, सही है, ये तो सही है, ठीक है। इसमें गड़बड़ आ रही कहने का, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर बताता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे जब x की वैल्यू 1 रखोगे ना आप, तो इसमें रखो x की जगह 1, तो y वैल्यू आएगी -2 आएगी, तो 1 के साथ -2 आएगा यहाँ पे, देखो 1 के साथ -2 आएगा, इसमें मत रखो आप, इस कर्व पे मत रखो, ठीक है। इस कर्व में नहीं रखें हम, क्योंकि हमने ये रिलेशन बना दी, इन दोनों कर्व से तो ये रिलेशन आई थी, तो इस रिलेशन में रखेंगे जहाँ x है वहाँ पे 1। तो 2 × 1 के बाद 2 में गया 4 - 2, तो -2 बचेगा यहाँ पे बेटा, रहेगा -2 आ जाएगा, तो इसके साथ 1 के साथ -2 आएगा, देखो यह एक तो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन। अब क्या करेंगे एक्स की जगह 3 रखो, 3 रखो यहाँ पे, तो 3 × 2 क्या होगा 6, 6 में गया 4, 2 बचेगा, तो वाई वैल्यू 3 पे 2 आ जाएगी, तो ये आंसर आएगा, ठीक है ना। तो आप ये वैल्यू इसमें मत रखना, ठीक है। तो अब कर दो स्टार्ट, तो ये -2 ले रहे हैं मैंने, इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट पे क्या करेंगे जहाँ एक्स वहाँ पे 1 रखेंगे, जहाँ वाई वहाँ रखेंगे -2, तो क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे इसमें रखेंगे, अब ये वाला पॉइंट क्या है, एक्स 1 और -2 आई, तो -2 यहाँ रखोगे तो क्या होगा, बोलो भाई -1/-3, तो क्या होगा 1/3 आएगा, तो यह आएगा 1/3, ठीक है। यहाँ क्या आएगा -1/2। अब करो इसको स्टार्ट, तो m1 कितने यहाँ पे -1/2, m2 कितने यहाँ पे +1/3, ये क्या आएगा प्लस का आएगा 1/3, तो m2 क्या यहाँ पे 1/3 है प्लस का, ठीक है, ठीक है भाई, प्लस का 1/3 आ गया। तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 कितने का -1/3, इसलिए प्लस का 1/3 ये आएगा, और ऊपर आएगा मोर, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बताएंगे यहाँ बताओ, -1/2 + 1/3 अपॉन 1 - 1/6, ठीक है। तो क्या होगा 6 एलसीएम आएगा, ठीक है, 3 - 3 + 2, ठीक है भाई। अच्छा ये भी माइनस ही आएगा, क्योंकि देखो ना माइनस का है यहाँ पे, तो माइनस का 5/6/4 ये आएगा, तो माइनस तो पॉजिटिव देगा ना, मोडलस क्या करेगा पॉजिटिव कर देगा, तो कट क्या आ गया 1 आएगा, ये लो तो थीटा के लोग क्या आ गया 10θ1 का होता है π/4 पे, तो एंगल क्या आएगा π/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि इसमें रखना, क्योंकि ये दोनों इन दोनों से हमने ये रिलेशन निकाली है, इट मीन्स क्या हो गया, ये वाला पॉइंट हम यहाँ रखेंगे, एक्स के लिए भी इसमें रखेंगे, वाई के लिए इसमें रखेंगे, फिर निकलेंगे। तो इसका जो मेन फंडा है ना, वो हमने क्या निकाला पता आपको, क्या करा हमने क्या करा, पहले पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन निकाला, दोनों को सॉल्व किया हमने और पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन निकाल दिया, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन 2 आए, 1 - 2 और 3 - 2, ठीक है। हमने एक पॉइंट पकड़ लिया, 1 - 2 पकड़ लिया, तो इसी पे क्या करा, पहले टेंजेंट की स्लोप निकाली, इसी पे दूसरे कर्व की टेंजेंट की स्लोप निकाल दी, एक को m1 मान लिया, दूसरे को m2 मान लिया, और दोनों के बीच में एंगल निकाल दिया 10θ वाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो ये है आपके 31वां क्वेश्चन कर लेना आपसे, समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप जूम क्लास पे मुझे बता सकते हो, जूम क्लास पे ऑनलाइन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकाला, ठीक है, आप तभी पूछ सकते हो। मैं देखना चाहूंगा कि कौन सा बच्चा ये क्वेश्चन पूछता है, किस बच्चे ने करा है, ठीक है, वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। मैं भी आपसे पूछ लूँगा कि ये लास्ट के 3 क्वेश्चन हुए या नहीं हुए, तो अगर नहीं हुए तो मुझे बता दोगे सर ये नहीं आए, अब बता दो,
तो फिर मैं आपको करवा दूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ऑनलाइन भी करवा देंगे आपको। ये थोड़े से लास्ट के जो क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल हैं, तो आपने इनको बड़े अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 में, देखो, ठीक है ना, पेज नंबर 23 हुआ और क्वेश्चन नंबर 32 लास्ट क्वेश्चन है इसका आज, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देखो, ध्यान से देखो, दो कर्व रखे हमें, द गिवन कर्व आर, क्या रख कर बताओ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9p इंटू 9 माइनस वाई, ये तो भी फर्स्ट कर्व। दूसरे कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू वाई प्लस 1, ये हो गया सेकेंड कर्व, ठीक है। क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी के लिए निकालनी है, इफ दीज कर्व कट्स ईच अदर एट राइट एंगल्स, ये दोनों कर्व आपस में काटते हो 90 डिग्री पे, पी के लिए निकालनी है। ये सेम क्वेश्चन 30 में जैसा ही है, ठीक है। तो जैसा 30 में क्या था सेम वैसे कर देंगे, कैसे क्या था हमने पता, तब इन दोनों की क्या करेंगे, पहले पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन निकाल लो, क्या निकालेंगे, पहले पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन निकाल देंगे, फिर उन पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन पे पहले कर्व के स्लोप, दूसरे कर्व के स्लोप निकाल देंगे, और फिर दोनों के स्लोप गुणा माइनस 1 कर देंगे, अपने आप पी के लग जाएगी, ठीक है। तो सेम ऐसा ही है, तो करें स्टार्ट अभी, तो अब करते हैं स्टार्ट। देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, करते हैं स्टार्ट। ये तो सेम आएगा, 9p इज इक्वल टू 9 माइनस वाई इज इक्वल टू पी वाई प्लस 1, भाई दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम होंगे। देखो ध्यान से, पी से पी कर देगा, 81 माइनस 9 वाई ये क्या होगा, वाई प्लस 1, इसको दे लेंगे 80 बचेगा, ये क्या होगा 10 वाई हो जाएगा, तो वाई के आगे 10 आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट में रख देंगे, फर्स्ट में रख देंगे वाई की जगह 10, तो इसमें जहाँ वाई वहाँ पर रखेंगे 10, तो 9 में गया 3, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड में रख दो, क्योंकि फर्स्ट में रखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस 9p आएगा। अब p वैल्यू हमें पता नहीं है, मतलब p की वैल्यू कुछ नेगेटिव टाइप की आएगी, है ना। तो अपन क्या करेंगे, एक काम करते हैं, ये वैल्यू इसमें रख देंगे, इसमें रख दें, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, देखो यहाँ पे गलती कर रखें, वाई वैल्यू 8 आएगी, क्या आएगी, वाई वैल्यू 8 कट देगा, वाई इज इक्वल टू 8, तो फर्स्ट में रख देंगे वाई इज इक्वल टू 8, तो क्या हुआ 9p, है ना, तो क्या होगा, तो 9 माइनस 8, तो क्या होगा यहाँ पे, वाई की जगह मैंने 8 रख दिया इसमें, तो क्या हुआ 9p तो आएगा यहाँ पे 1 इंटू क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, प्लस माइनस 3 रूट पी, ठीक है, ये आ गया एक्स। तो एक ले लो, पकड़ लो कोई भी वैल्यू एक्स की, तो मैंने क्या करा, चलो लेट एक्स इज इक्वल टू रूट 3p इंटू पी ले लिया मैंने, तो वाई क्या होगा बताओ, फ्रॉम ये लेते हो पुटिंग इन फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट में रखेंगे, तो जहाँ एक्स में रखेंगे ये वैल्यू 9p इंटू क्या होगा 9 माइनस वाई, तो यहाँ से वाई की लग जाएगी, इसका स्क्वायर क्या होगा 3p स्क्वायर, ये 3p 9p नीचे जाएगा, यहाँ क्या होगा 9 माइनस वाई बचेगा, काट दें इसको, एक पावर से एक पावर कट जाएगी, यहाँ क्या होगा 3, तो p अपॉन 3 बचेगा, p बाई 3 इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, तो वाई क्या होगा, तो यहाँ पे 9 माइनस p बाई 3 27 माइनस पी अपॉन 3, ये आ गया वाई के वैल्यू, ठीक है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो गया, ये हो गया एक्स के वैल्यू क्या था यहाँ पे रूट 3p और वाई के वैल्यू यहाँ पे, ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, बोलो भाई क्या करेंगे, दोनों की और स्लोप निकाल दो और उनकी गुणा माइनस 1 कर देंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर हैं तो अपना आप आ जाएगा पी की वैल्यू, तो अपन क्या करेंगे स्लोप निकालते हैं। तो इसलिए क्या क्या करेंगे, मतलब डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करो स्टार्ट। एक्स करके क्या होगा 2x, उसमें 9p कॉन्स्टेंट है, इसे क्या होगा माइनस का dy बाई dx लेना, तो dy बाई dx के लिए क्या बताओ माइनस 2x अपॉन 9p, ठीक है। अच्छा ये अब हम क्या करेंगे, एट किस पे निकालेंगे, इस पॉइंट पे निकालेंगे, इस पॉइंट पे निकाल देंगे डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, इसमें रख देंगे जहाँ एक्स वहाँ पे थ्री रूट पी,
अपन क्या 9 पी हो पे हैं, कर देंगे इसको 3, तो माइनस का क्या होगा ये लो 3 पी, तो मैं इसका कर दूँ माइनस का 2/3 और रूट पी आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आप डिवाइडेशन, यानी पहले जो है ना कर्व उसके टेंजेंट स्लोप आ गई माइनस 2/3 रूट पी, ठीक है। अब करो डिफरेंशिएटिंग सेकेंड इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका तो डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का, तो 2x हो जाएगा, और इसे क्या होता है पी तो कॉन्स्टेंट है, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए क्या आएगा बताओ 2x बाई पी। फिर ये लिखेंगे एट पॉइंट, किस पॉइंट पे, ये तो पूरा जो पॉइंट आया अपना इस पे निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, इसमें जहाँ पर भी एक्स हम रख दें 3 रूट पी अपॉन पी, तो क्या होगा 6 रूट पी अपॉन पी, तो इसको मैं ऐसे करूँ 6 बाई रूट पी, है ना। चलो ये मान लिया हमने m2, अब ये लिखना बिकॉज टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, सो क्या हुआ, सो m1 इंटू m2 क्या गया -1, तो m1 के स्लोप कितनी बेटा यहाँ पे -2/3 रूट पी, m2 कितना है यहाँ पे 6/√p इज इक्वल टू -1, तो काट दें इसको, तो क्या होगा -4/p इज इक्वल टू -1, तो पी के लिए क्या आगे 4, आपको हम लोग क्या करते हैं पी के लिए 4 आ गया दिस, ठीक है। तो यूँ करके ना ये आपका हो गया 32वां क्वेश्चन, आप इसको कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। क्या करना, वही लॉजिक है, पहले पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन निकाला, फिर उन उस पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन पे दोनों टेंजेंट्स स्लोप निकाल दी, ठीक है, और फिर उनको दोनों क्या आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो मेरे स्लोप से गुणा क्या होगा -1 होगी, बस यही कंसेप्ट हमने लगाया है और आराम से पी के लिए। तो मेरे ख्याल से मैंने पूरा टॉपिक बता दिया है आपको, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम टेल मी ऑन जूम लाइव क्लासेस, ठीक है, लाइव क्लासेस पे आपने बताना है। इसके एग्जांपल देखो तुम, अगर इसको ढंग से देखोगे ना तो फिर इसके एग्जांपल्स आए हुए हैं कभी ना कभी, हर एग्जांपल कभी ना कभी आया हुआ है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जांपल्स भी करना है, ज़्यादा काम है तुम्हारे पास, बहुत ज़्यादा काम है, एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाओ और इसको हम फिनिश कर दो, ठीक है, आज इतने कर लो, बाकी कल करेंगे।